और मुझे मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर नवाज लीग आज़ाद कश्मीर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। सर मुस्तकबिल में शेर और घोड़े की लड़ाई दिखाई दे रही है मुझे। शेर मैदान में नहीं दिखाई देता। सर इसी जमात ने मुस्लिम लीग नून को बनवाया, यही जमात अब तहरीक इंसाफ को मजबूत बना रही है। देखे ना शाहराम कादर साहब ने क्या कहा, सेक्रेटरी जनरल ने, उन्होंने कहा कि तारिक फारूक साहब ठीक कहते हैं। उस्मान अतीक यूथ के चेयरमैन क्यों हैं? बाप सदर है। इसलिए कि अगर एक आदमी घर आए और आके ये कहे कि सदर जवाब मुझे इजाज़त दें, मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ। ये भी होता है जी, मैं आपको नाम लेकर बता देता हूँ। बता दें। मैं अक्सर ऐसी जमात में उनको भेज रहे हैं जिसका मुस्तकबिल नहीं है। जी सुनिए ना, तो मैंने कहा कि ऐसी जमात में जाएँ कि जहाँ से आपको 5-4 साल के बाद वापस आना पड़े तो आपको आसानी हो। कि अपनी पार्टी प्रेजिडेंट और अपने वजीर अजम के खिलाफ अदम अतमाद करने की रस्म के बानी राजा फारूक आजम खान साहब को, तो तारीख अपने आप को दोहरा सकती है। एहतराम करते हैं जो भी आपको छोड़ के गए। नहीं मैं एहतराम ही नहीं करता, मेरा ताल्लुक है सबके साथ, मेरे अजीज़ हैं हमें। सर आपके शागिर्द ने मछली पानी के बगैर जैसे नहीं रह सकती, ऐसे आप अकदार के बगैर नहीं रह सकते। सर सियासी शेरों का क्या करेंगे आप जो जख्मी हैं? अपने मंत्र की अंजाम की तरफ जान देखिए, तारीख अपने आप को दोहराती है कि जो शख्स बतौर पार्टी प्रेजिडेंट 3 साल में मजलिस आमला का एक इजलास नहीं बुला सका हो। सर कब आपने इलेक्शन कराए पार्टी के? कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम है आपके आइन के अंदर जो बगैर वोट के भी आप सदर बन सकते जी, हैं जी। सर आपने बड़े बड़े जहर के प्याले पिए, आपकी बड़ी हिम्मत है। सियासत में कोई भी साहब याद रखिए, आपने तो तारिक फारूक साहब को इंटरव्यू किया। ये सर आप रास्ते से जा रहे हो, गाड़ी आपका ड्राइवर चला रहा हो, आपको जंगल से गुजरते हुए कल जख्मी शेर सामने नजर आए। तो हम असम्बली के अंदर बैठे हुए ना, हमको तमाशमीन तो नहीं, हम फरीक है, हम इंटरेस्टेड पार्टी हैं, हमारा नुकसान किया गया है, हमें तोड़कर हमारा लूटा हुआ माल उठाकर लेके गए। नजरिया वो तो खा गए वो सोच नहीं नहीं वो तो आपको खा गए बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं जो बात आपने पूछी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग भी हैं कि जो मुझसे पूछ कर मशवरा करके गए। सर जिस जमात की बुनियाद मस्जिद के अंदर आपने कहा रखी थी, फिर भी जमात नहीं गई जी? बिल्कुल कुछ नहीं रहा क्या आपके पास? सब कुछ रहा। सर मुझे ये बताएं आप नवाज शरीफ में फर्क क्या है? मैं फारूक कैदर साहब की उत्पत्ति के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बात पूछना चाह रहा हूँ। सर वो फारूक कैदर खान साहब वाली जो पप्पी थी उसका असर है आज तक? वो उम्र का एक हिस्सा होता है जब पप्पी का असर होता है। एक तीसरी हुकूमत ने आकर आर्जी तो के नींद में भी कश्मीर के ऊपर गलती नहीं कर सकता, आप लोग तो जागते हुए गलती कर रहे हैं। कावर मानते हैं सिकंदर याद को? जी सरदार सिकंदर याद हो, सरदार सिकंदर याद हो, उम्र में मुझे बड़े हैं, सियासत में भी सीनियर हैं। दोनों नालायक लोगों को हमेशा साथ रखते हैं, इनकी तबाही का बात। बिल्कुल ठीक बात है, आदमी अपने तजर्बे से भी सीखता है, दूसरों के तजर्बे से सीखता है, अपनी गलतियों से भी सीखता है, लेकिन नालायक लोगों से नहीं इंसान से। जी यही बात हो जो आपने कही, अच्छा हुआ आपने बात पूरी मुकम्मल कर दी। सर आज़ाद कश्मीर हुकूमत कितनी बात क्या है? इख्तियार अपने पास होता है, इख्तियार किसी के पास नहीं होता। नहीं सर आइन के साथ हम जुड़े हुए काम शुरू कर। डेमोक्रेसी का हमी शख्स कैसे कह सकता है नवाज शरीफ किसी और की पैदावार? और मुझे उम्मीद है कि मैं इस समुंदर से चंद कतरे लेके जाऊंगा। ये लोगों की मेहरबानी है जी, माजी में भी नहीं जाते, हाल की बात नहीं करते, आज की बात करते हैं। सर दुनिया की कौन सी ऐसी रियासत है जिसने अलहा के नाम के ऊपर आज़ादी हासिल की है? आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि आपके ऊपर पाबंदी है, वो कश्मीर का हिंदू या सिख आपकी पार्टी के मेंबर बन सकते? जी वक्त के साथ साथ होती है आज़ाद कश्मीर को। नहीं वक्त कभी नहीं गुजरता। मैं अगर यहाँ का अंग्रेज होता तो क्या मैं उसका मेंबर बन सकता हूँ? आप कहते हैं मैं श्रीनगर जाके लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगा। मैं अमरुल्ला खान साहब की लाश लेके गया था आज़ाद कश्मीर का वाइस सियासी कारकुन हूँ। आप एक सवाल पे कई घंटे बोल सकते हैं, लेकिन मैं एडवांस माफ़ करता हूँ कि मैं कई बार आपको इंटरप्ट करूँगा। मोस्ट वेलकम। लेकिन रियासती जमातें तो मेरे मुताबिक और भी हैं, कांग्रेस पार्टी है, पैंथर्स पार्टी है, PMP है, महबूबा मुफ्ती। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने इस नीयत से बैठा हूँ कि मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा। मोस्ट वेलकम, अल्लाह खुश है। लगता है ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये तो फिर आपने ज्यादती की नहीं, बंदी के बावजूद भी आपने की नहीं, नहीं। तो कब क्यों किस तरह आपने सियासत शुरू की? कश्मीर तवज्जो चाहता है, लेकिन ये कितनी और किस तरह की तवज्जो चाहता है? एक एक लफ्ज़ जो आप कहते हैं बोलते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर है पाकिस्तान, दो बातों में बड़ा फर्क है। ये मसला है कश्मीर पाकिस्तान और भारत का मसला है या हम कश्मीरियों का मसला है? सर आपके जाने से वहाँ मुश्किल क्या हो सकती है? ये मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं उस दौरे की बात नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, मैं एक सदर जमात रियासी जमात के सदर और एक वज़ीर आज़म से पूछ रहा हूँ कि आप गिलगित बल्तिस्तान में सियासत नौकरी है या खिदमत है? देखिए ये जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत का इतना बड़ा जरिया, ये कह सकता हूँ कि ये हमारे सियासतदान जहन्नम में नहीं जाएंगे? बड़ी तादाद में आता है कि मेरी रियासत के एक साबिक वज़ीर आज़म सियासतदानों के साथ में माजी की बात करूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि शायद वो झूठ बोलेंगे। हम इंडिया से पाकिस्तान कश्मीर को लेके पाकिस्तान को देना चाहते हैं? देना नहीं चाहते, पूरी रफ्तार के साथ, पूरी कुवत के साथ, बड़े ताकत है। इल्ज़ाम है आपके ऊपर। सर आपने मजलिस अमला के मेंबर को इतना नवाजा, लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेंसी कहते हैं, कभी आपने किसी के एहसासों की बात की?
टर्म में मैं आपके दौर की बात कर रहा हूं, मैं आपके दौर की बात को बात है मतलब है मैं किस पर बात करना चाहता हूं। तीन चार मरतबा ये बड़ा खतरनाक और मुश्किल सवाल आपने पूछा, यानी आप बहुत अच्छा मीडिया पे काम करते हैं। सवाल पूछना मेरा काम है, इसका मतलब वो बहाना था नहीं तो फिर आपके सामने है ना, मैं तो जवाब देने की क्या जरूरत है मुझे मीके? बात कर और सर बतौरे साफी मुझे एक चीज़ पे दुख है जिसका सबसे बड़े कसूरवार आप हैं। बतौरे साफी आपका गिला बिल्कुल दुरुस्त है, टाइम की किल्लत है वरना आपसे बहुत सारी बातें करते। मैं हाजिर हूँ, आपका बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे सवाल आपने किए, बड़े और बड़ा अच्छा आपने टेंट सेट किया है गुफ्तगू और सोशल मीडिया का आपका बड़ा पन है। अस्सलाम वालेकुम डेली वॉच देखने वाले तमाम अहबाब को, एक बार फिर आपकी खिदमत में अबरार कुरैशी में हाज़िर हूँ। आज मैंने एक तब्दीली की है इस प्रोग्राम के अंदर, उसकी रीज़न ये थी कि पहले था प्रिंट मीडिया का दौर, जब मैंने सोचा कि अगर प्रिंट मीडिया की अब वो अहमियत नहीं रही तो मैं पेपर और कलम के बजाय अपनी ज़ात को और कैमरे को सामने ले आऊँ, और लिहाजा जो मैं आर्टिकल गोरख धंधा के नाम से 400 के करीब अखबार में लिख चुका हूँ उसको आज मैंने अपने इस शो का नाम दे दिया। और इस पहले शो का जो मैं आगाज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरी रियासत के एक साबिक वज़ीर आज़म जो एक बड़े बाप के बेटे और जिनसे यकीनन सारे लोग सीखते हैं और उस बाप के ये बेटे हैं जिनको मौजूदा वज़ीर आज़म समेत सियासत की यूनिवर्सिटी मानते हैं। लेकिन मैं अक्सर जब सियासतदानों से बात करता हूं तो अगर सियासतदानों के साथ मैं माजी की बात करूं तो मुझे ये महसूस होता है कि शायद वो झूठ बोलेंगे, अगर मैं उनसे हाल की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि शायद इनसे मैं सच निकलवा सकूंगा, लेकिन फ्यूचर की बात करूं तो मुझे ये महसूस होता है कि ये लोग शायद पेशनगोई करेंगे और किसी सियासतदान की पेशनगोई सहाफ़ी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। लेकिन देखते हैं कि आज मेरे साथ क्या होता है और मैं इनसे क्या चीज़ें सीखता हूँ। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत मेहरबानी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने इस नीयत से बैठा हूँ कि मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा। बहुत वेलकम, अल्लाह शुक्रिया। सर आपको लोग कहते हैं कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको इल्म का समुंदर माना जाता है, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस समुंदर से चंद कतरे लेके जाऊँगा। ये लोगों की मेहरबानी है जी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि लोगों के दिलों में कोई हुस्न ज़न अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ। सर सबसे पहले ये बताइए, ये जो सियासतदान की सूरत में आप मेरे सामने बैठे हैं, ये सियासत नौकरी है या खिदमत है? देखिए ये जो सियासत है ये दूसरे पेशों से बहुत मुख्तलिफ है। इंजीनियरिंग आप सीख सकते हैं, डॉक्टरी आप पढ़ सकते हैं, सियासत आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। सियासत जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसी साइंस है कि जिसकी आपके अंदर कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन होना चाहिए, खुद ब खुद आपको खींच के उस तरफ लेके जाती है। मसला आप अगर मुझसे पूछें कि जी आप मुझे तारीख, दिन, वक्त, टाइम, हालात बताओ, कब, क्यों, किस तरह आपने सियासत शुरू की, तो मैं आपको बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आई फाउंड माई सेल्फ डूइंग सो, मैंने अपने आप को सियासत करते हुए पाया। तो ये जो सियासत है एक एक बिल्कुल इंसानी साइंस और नफसियात के साथ इसका ताल्लुक है, और डॉक्टरी आसान है, रात को 2 बजे गहरी नींद में डॉक्टर को जगाएं, आप मरीज़ को जगाएं, डॉक्टर को उठाएं, आमने सामने हों तो आधी बीमारी उसको बगैर बात किए, बगैर एक्सरे के, बगैर टेस्ट के पता लग जाएगी, उसकी आँखें चेहरा देखे। लेकिन पॉलिटिक्स में हर मोड़ पर हर आदमी के साथ एक नई चीज़ का, नई बात का वास्ता होता है, पार्टीज़ के अंदर भी और पार्टीज़ के बाहर भी। फिर दोनों में से क्या चीज़ है ये? ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत का इतना बड़ा जरिया है कि जिससे बेहतर कोई और बात मजहब के बात हो रही। सर अगर सियासत खिदमत है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे सियासतदान जहन्नम में नहीं जाएंगे? बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद में लोग सियासत करते वक्त इस बात का ख्याल ही नहीं रखते। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मुझे खुशी हो रही है अगर उन्हें यह एहसास हो कि इसकी कितनी जवाबदेही है। एक एक लफ्ज़ जो आप कहते हैं, बोलते हैं, जो आप लोगों को मीटिंग्स में बुलाते हैं, जलसों में बुलाते हैं, उनका पैसा खर्च करवाते हैं, उनके खाने खाते हैं, उनसे जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, उनसे इस्तकबाल करवाते हैं, उनसे वोटें लेते हैं, उनको अपने बारे में बेशुमार बातें ऐसी बताते हैं जो आपके अंदर नहीं होती, आप उनसे ऐसे वादे करते हैं जो आप पूरे नहीं कर सकते, आप अपनी अथॉरिटी से, अपनी कैपेसिटी से बहुत बियॉन्ड बात कर रहे होते हैं बतौर सियासतदान। अगर आपको इस बात का ख्याल हो, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, अगर ये ख्याल हो ये सारी बातें इस कैमरे से ज़्यादा ताकतवर कैमरे के रिकॉर्ड में जा रही हैं, इन सब की जवाबदेही होनी है कि मैंने लोगों को क्यों इकट्ठा किया, किस मकसद के लिए बुलाया, नौजवानों का, बच्चों का,
پیسے خرچ کروائے، رشتے ناطے توڑوائے، الیکشن میں زمین مکان چھڑوا دیے، تو اس ساری بات کی جواب دہی کا احساس ہو تو پھر آپ کی سوچ اور فکر میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کا سوال اپنی جگہ درست، لیکن میرا اندازہ ہے کہ بہت سارے سے بے خبر ہیں، انہیں خیال ہے کہ شاید کوئی جواب دہی نہیں، لیکن ہم جیسے مسکین لوگ تو اس ڈر کے مارے دن کو کئی دفعہ رات کو نیند خراب ہو جاتی ہے، جب خیال آتا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اس حساب کتاب سے بچا کے رکھیں، ورنہ جواب دہی ہے۔ سر آپ ایک سوال پہ کئی گھنٹے بول سکتے ہیں، لیکن میں ایڈوانس معذرت کرتا ہوں کہ میں کئی بار آپ کو انٹرپٹ کروں گا، کہیں میں ہی نہ بھول جاؤں ان باتوں کے اندر۔ سر آپ کے سینے کے اوپر ایک بیج لگا ہے کشمیر توجہ چاہتا ہے، میں چلو یہاں سے آغاز کروں، ماضی میں بھی نہیں جاتے، حال کی بات نہیں کرتے، آج کی بات کرتے ہیں۔ سر یہ کشمیر توجہ چاہتا ہے، لیکن یہ کتنی اور کس طرح کی توجہ چاہتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اس بیج کا پس منظر یہ ہے کہ اتنی ہمبل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو پہن کے میں انڈینز کے ساتھ، امریکنز کے ساتھ، یورپین پارلیمنٹ میں، دنیا کی ہر جگہ جاتا ہوں۔ بطور وزیر اعظم میں نے اس کو نوٹیفائی کیا تھا، دنیا کی ہر زبان میں بنوایا تھا۔ جب میں چائنیز وزیر اعظم کو ملنے کے لیے گیا تو میری جیب پر چائنیز بیج لگا ہوا تھا۔ جب میں عربوں کو ملنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا تو عربی زبان میں ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ ایسی ہمبل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو بڑی بڑی خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ کشمیر توجہ چاہتا ہے، کشمیر ہر طرح کی توجہ چاہتا ہے، کشمیر انسانیت کے حوالے سے توجہ چاہتا ہے، کشمیریت کے حوالے سے توجہ چاہتا ہے، جمہوریت کے حوالے سے توجہ چاہتا ہے، حق خود ارادیت کے حوالے سے توجہ چاہتا ہے، اس تصب رائے کے حوالے سے توجہ چاہتا ہے، عالمی حوالوں سے توجہ چاہتا ہے، مستقبل کے حوالے سے توجہ چاہتا ہے، ماضی کے حوالے سے توجہ چاہتا ہے کہ اگر ہندوستان کی اور پاکستان کی ایک ارب آبادی پر توجہ دی گئی تو اسے کیوں محروم رکھا؟ اس توجہ کو آگے لے کے جائیں گے۔ سر یہ الحاق پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان نعرہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر ہے پاکستان؟ دو باتوں میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ریاست کا اپنا ایک تشخص ہے جسے برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر ایک، مسلم کانفرنس نے قیام پاکستان سے پہلے ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا، ریاست جموں کشمیر کی سیاسی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا، لیکن کہا کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ریاست جموں و کشمیر کا الحاق کریں گے۔ ہے ہی پاکستان، وہ صوبہ ہو سکتا ہے، وہ مدغم ہو سکتا ہے، وہ مرج ہو سکتا ہے، اپنی شناخت ختم کر سکتا ہے، لیکن کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے اندر، قرارداد علاقے پاکستان کے اندر اس بات کا تحفظ موجود ہے کہ ریاست اپنی آئیڈنٹیٹی کو، اپنے تشخص کو برقرار رکھے گی۔ الحاق دو چیزوں میں ہوتا ہے، ادغام جو ہے وہ آپ اس چائے کے اندر پانی ڈال دیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ الحاق دو چیزوں میں ہوتا تو تیسری چیز بیچ میں کیوں آ گئی ہے؟ انسانی سوچ اور فکر پر کوئی پیرا نہیں ہے، لیکن چیزوں کی پریکٹیکیبلٹی کو دیکھنا ہے، اس کے قابل عمل ہونے کو دیکھنا ہے۔ الحاق کا یہ ترجمہ ہے کہ ہم انڈیا سے پاکستان، کشمیر کو لے کے پاکستان کو دینا چاہتے ہیں؟ دینا نہیں چاہتے، جموں اور کشمیر فطری طور پر پاکستان کا حصہ ہے۔ سر دنیا کی کون سی ایسی ریاست ہے جس نے الحاق کے نام کے اوپر آزادی حاصل کی ہو؟ کوئی ایک ایگزامپل دے دیں۔ پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو مثال ہے ہر جگہ، پانی ابھی اگر آپ نے بٹ صاحب کو کہا کہ لے کے آئیں تو بٹ صاحب جگ اور گلاس میں پانی لے کے آئے، ابھی تھوڑی دیر میں اگر آپ باتھ روم سے جا کے آواز دیں بٹ صاحب پانی لے کے آئیں تو وہ لوٹے میں اور بالٹی میں پانی لے کے جائیں گے۔ مانگنے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، چیز بھی وہی ہے۔ نیت غلط ہے، نہیں جگہ نہیں، جگہ کی وجہ سے، جگہ نیت نہیں، جگہ کی وجہ سے کہ اگر آسٹریا میں بیٹھے ہوں، ویانا میں بیٹھے ہوں، بحرین میں بیٹھے ہوں، جہاں آپ کے چاروں طرف فاختائیں ہیں، کبوتریں ہیں، کوے ہیں، چڑیاں ہیں، تو وہاں حق خود ارادیت کا اور مطلب بنتا ہے۔ جہاں آپ کے چاروں طرف چیتے ہوں، بھیڑیے ہوں، خونخوار درندے ہوں، وحشی ریچھ ہوں، وہاں حق خود ارادیت کا مطلب اور بنتا ہے۔ تو یہ جو 562 ریاستیں تھیں ان کے مستقبل کا فیصلہ جس وقت ہوا ہے وہ نیگوسیشن کے ذریعے ہوا ہے، گفتگو کے ذریعے ہوا ہے، مذاکرات کی میز پر ہوا ہے۔ اگر جنگ کے میدان میں ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میں نے زیادتی کی، آپ نے زیادتی کی۔ سر ہمارا مسئلہ باقی دنیا کے ممالک جنہوں نے آزادی حاصل کی ان سے منفرد کیسے ہے؟ اس طرح منفرد ہے کہ یہ نیگوشیٹڈ انڈیپینڈنس ہے، یہ کنسنسس انڈیپینڈنس ہے، یہ اتفاق رائے سے آزادی وجود میں آئی ہے۔ 562 پرنسلی اسٹیٹس کا مستقبل طے ہونا تھا، تو جو فارمولا 561 ریاستوں پہ لگا ہے اسی کو 562 ریاستوں پہ لگنا تھا۔ مسلم کانفرنس نے جب قرارداد پاس کی ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ گزارش کروں کہ اس وقت مسلم کانفرنس کے پاس ریاست جموں و کشمیر کی اسمبلی کی مسلمانوں کے لیے مخصوص 21 نشستیں پوری تھیں۔ سر آپ بھی کشمیری ہیں، میں بھی کشمیری ہوں، شاید کیمرے بند کر کے ہمدانوں سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں کشمیر ایک اسٹیٹ ہونا چاہیے، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ مسئلہ ہے کشمیر پاکستان اور بھارت کا مسئلہ ہے یا ہم کشمیریوں کا مسئلہ ہے؟ یہ بین الاقوامی برادری کا مسئلہ ہے، یہ سیکورٹی کونسل کے ممبران کا مسئلہ ہے، یہ
पाकिस्तान और भारत तो एक बिल्ली के बच्चे गले में बिल्ली के बच्चे के गले में घंटी भी खुद नहीं डाल सके। सर ये बताइए कश्मीर की इकाइयाँ कितनी हैं? आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, जम्मू और लद्दाख है, श्रीनगर है, कारगिल है। मैं आपसे सुनना चाह रहा था आप गिलगित बल्तिस्तान का नाम लें। सर आप वज़ीर आज़म रहे हमारे, आप एक बार भी बतौर वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान जा सके, आपको किसी की इजाज़त चाहिए होती है? मैं आपके सामने एक ऐसा सियासी कारकुन बैठा हूँ कि चोरी गुलाम बाज 1950 में गए 5-4 दिनों के लिए गिलगित। मैं 1 नवंबर को गया और 1996 में जी 92 में। मैं उस दौरे की बात नहीं, 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 नहीं। मैं एक सदर जमात रियासी जमात के सदर और एक वज़ीर आज़म से पूछ रहा हूं कि आप गिलगित बल्तिस्तान। देखिए कुरेशी साहब, मैं 11 रोज तक तफसीली दौरा करने वाला। सर आप वज़ीर आज़म नहीं, 1 नवंबर को परेड में जमात के सदर भी नहीं थे। मैं कहता हूँ मैं मुस्लिम कांग्रेस का चीफ ऑर्गेनाइजर था, मैं कारकुन था, किसी हैसियत में गया। सर 1994 में जा सकते हैं, वज़ीर आज़म होते हुए क्यों नहीं जा सकते? कोई पाबंदी नहीं थी, कोई 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 ये तो फिर आपने ज्यादती की, पाबंदी के बावजूद भी आपने की? नहीं, ज्यादती नहीं की, ज्यादती नहीं की। देखिए दो बातें, हम बाहर से होके तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की इंटरनल एटॉनमी के लिए, दाखिली खुद मुख्तारी के लिए, इख्तियारात के लिए, आइनी सियासी हकूक के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अगर किसी वक्त आप वहाँ चले जाएं तो आपको ये फैसला करना है कि आपके जाने से उनको फ़ायदा ज़्यादा पहुँचेगा या नुकसान ज़्यादा पहुँचेगा। नुकसान है वहाँ जाने पर, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों का और ख़ास तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ख़ास हवाला है, कराची मायदा है। जब DC और SP भेजे थे हुकूमत पाकिस्तान ने, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर चौधरी गुलाम अब्बास से मुश्ताक गुरमानी को, वज़ीर बेवाक को, हुकूमत पाकिस्तान को पूछना पड़ा था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन भेजें। किसी और सियासी कारकुन का जाना और बात है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर का, वज़ीर आज़म का जाना और बात है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि नुकसान फ़ायदे की बात मेरी नहीं, मैं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उनकी दाखिली खुद मुख्तारी इख्तियारात की बात कर रहे हैं। जिस वक्त हमें लगता है कि मैं बाहर से उनकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं और वो हम मदद करते हैं, जब हम ये समझे कि वहाँ जाके उनके लिए कोई मुश्किल पैदा हो सकती है। सर आपके जाने से वहाँ मुश्किल क्या हो सकती है? ये मुश्किल पैदा हो सकती है कि हुकूमत पाकिस्तान में कई ऐसे वजारत उमूर कश्मीर है, पाकिस्तान की हुकूमत के कई ऐसे लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर की दखल अंदाजी वहाँ नहीं चाहते कि वो ऐसी बात में आपसे पूछना जी। मैं ये बात खुल के कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कई हुकूमतें कश्मीर पर पसपाई इख्तियार करती हैं, और जब पसपाई इख्तियार करने लगती हैं तो पहले गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना चाहती हैं, उसके बाद आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहती हैं। ये गैर रियासती जमातें किस लिए बनी है? सर इसका मतलब कि आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि आपके ऊपर पाबंदियाँ बाख्तियार नहीं है, उसको इजाजत चाहिए वफाक से जाने के लिए अपने ही कश्मीर के अंदर? नहीं पाबंदी नहीं, नहीं नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की जब नीयत मसला कश्मीर पर ख़राब होती है तो वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासी हैसियत को तब्दील करके रफ्ता रफ्ता इसे तकसीम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, सारी रियासत को। नीयत खराब, मैं बता, कभी कभी होती है या अक्सर होती है? नहीं अक्सर होती है, अक्सर होती है। इसलिए ये सीज फायर लाइन थी, ये शिमला मायदे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल हुई। भुट्टो साहब बहुत, मैं उनके लिए दिलो जान से एहतराम करता हूँ, बहुत अजीम सियासतदान थे पाकिस्तान के, लेकिन शिमला मायदे से पहले मसला कश्मीर बैन अक्वामी मसला था, शिमला मायदे के बाद ये दोतरफा मसला बना। शिमला मायदे से पहले सीज़ फायर लाइन थी, सीज़ फायर लाइन का मतलब होता है कि आपके मेरे दरमियान एक तीसरी हुकूमत ने आकर आर्जी तौर पर फायर बंद किया है, ऐसा ही है। लेकिन वो सीज़ फायर लाइन से लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए, बाद की हुकूमतें लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे जाके इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाना चाहती थी। सर मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था, आपने मजीद चीज़ें बता दी। आप कहते हैं मैं श्रीनगर जाके लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगा, आपने कभी ये नहीं कहा कश्मीर का, अच्छी बात है। सर आप गिलगित बल्तिस्तान नहीं जा सकते किसी की नीयत ख़राब होने के बायस, वहाँ झंडा कैसे लहराएंगे? मेरे जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। आप मैं फिर दोहराता हूँ इस बात पर कि मेरे जाने पर कोई पाबंदी नहीं। मैं अमानुल्लाह खान साहब की लाश लेके गया था, आज़ाद कश्मीर का वाइस सियासी कारकुन हूँ, अपने खिलाफ नुकता नज़र रखने वाले शख्स, कश्मीर बने का खुद मुख्तार के बहुत बड़े लीडर की लाश लेके रोज़ा रख के तो मैं पिंडी से लेके गया। 25 घंटे बाद हम वहाँ पहुँचे तो मैं 2 दिन वहाँ रहा दफना के, उसके बाद रहा, फिर मैं 1 दिन और रहा कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का डेलीगेशन लेके उनकी कब्र पर फातह करने के लिए गया। तो मुझे ये बताएं आज़ाद कश्मीर में लीडरशिप की कमी है पूरे कश्मीर के अंदर, या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो फौत हो गए वो ये कहते थे, आज भी सोशल मीडिया के ऊपर जिद है कि मैं ख्वाब में भी बल्कि नींद में भी कश्मीर के ऊपर गलती नहीं कर सकता, आप लोग तो जागते हुए गलती कर रहे हैं। पहली बुनियादी बात यह है कि गलती वही नहीं करेगा जो काम नहीं करेगा, जो काम करेगा वो गलती ज़रूर करेगा। अलबत्ता ये मैं कह सकता हूँ पूरे वसूख के साथ कि हमने कश्मीर पर ख़राबी कोई नहीं की। गलती और ख़राबी में फ़र्क यह है
कि खराबी में आपकी नीयत शामिल होती है खराबी करने की, और गलती इंसान का वो इंसान खुदा का पुत्र है और जो जो काम करेगा गलती करेगा। सर आप रियासती जमात के दावेदार हैं, बल्कि हकीकत भी यही है, लेकिन रियासती जमातें तो मेरे मुताबिक और भी हैं, कांग्रेस पार्टी है, पैंथर्स पार्टी है, PNP है महबूबा मुफ्ती की, वो यहाँ क्यों नहीं हो सकती आज़ाद कश्मीर में? ये सवाल ये पैदा होता है, पहली बुनियादी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि आज़ाद कश्मीर से एक तहरीक चली है, मुस्लिमों का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि मुस्लिमों श्रीनगर में बनी और सबसे पहले बनी है और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी है। आलमी सतह पर बैन अक्वामी सतह पर जिन दो सियासी कुवतों का जिक्र है उसमें एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन दो कुवतों का जिक्र है। बाकी लोगों को जमातें बनाने पर तो कोई पाबंदी नहीं, रियासत के अंदर हमने तो कभी नहीं कहा कोई जमात बनाए ना बनाए, बेशुमार जो जमातें हैं लेकिन उधर उधर जा रहे हैं। सर रियासती जमात का मैंने आज बड़ा अरसा पहले देखा था, उसमें सर एक बात लिखी है, मैं अगर यहाँ का अंग्रेज होता तो क्या मैं उसका मेंबर बन सकता हूँ? गैर रियासती इंसान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रुकनियत ले सकता है? देखिए दो बातें हैं, एक तो ये है कि जब हम रियासत की बात करते हैं तो उसका मतलब है महाराजा हरि सिंह की रियासत जम्मू कश्मीर, जब जम्मू और कश्मीर बाशिंदा रियासत की बात करते हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान सिख और तमाम लोग हैं जो वहाँ के वो शामिल हैं। ये है बुनियादी जो रियासत के अंदर की जमात या दुनिया की किसी भी जमात का, मेरा गुजरखान में बैठा हुआ आदमी कोई पंजाबी जो है या बलोच मर्दान से कोई आदमी या बलोचिस्तान से उठ के लेबर पार्टी के कंजरवेटिव का या इंडिपेंडेंट का SDP का मेम्बर तो नहीं बन सकता। आपने क्यों रखा है आइन में कि कोई भी शख्स जो है गैर रियासती भी आपकी पार्टी का मेम्बर बन सकता? नहीं, आइन में ऐसा नहीं है, आइन में ऐसा नहीं है, ये तो बड़ी सख्त। पाकिस्तान का कोई शहरी आपकी जमात का मेम्बर नहीं? नहीं, ये तो आपको शायद इस बात का जहन में रहना चाहिए, इसी बाशिंदा रियासी सर्टिफिकेट के ऊपर ही तो सारी जंग है। हम ये कहते हैं कि इसको मत छेड़ें, हम तो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को बाकी हकूक दे दे, लेकिन ये जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून है इसको बहाल करें वहाँ पे। जम्मू कश्मीर का हिंदू या सिख आपकी पार्टी का मेंबर बन सकते? जी, बहुत टॉप क्लास हिंदुस्तान के चोटी के लोग वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, तमाम लोग ये मतलब 46-47 में हिंदुस्तान की चोटी के हिंदू जो है उस वक्त मारूफ लोग वर्किंग कमेटी के ऊपर थे। सर आप जैसे शख्स के साथ कश्मीर के ऊपर या रियासी जमात के ऊपर बात करें तो कई घंटे लग जाएंगे। मैं चारों थोड़ा सा करंट इशू के ऊपर आए, आप बताइए ना। सर आप रास्ते से जा रहे हो, गाड़ी आपका ड्राइवर चला रहा हो, आपको जंगल से गुजरते हुए चंद जख्मी शेर सामने नजर आए, उन 5-7 जख्मी शेरों को पट्टी करवाएंगे, मरहम पट्टी को लगाएंगे, मेडिसिन देंगे, अपने साथ रखेंगे वफादारी के तौर पर या छोड़ देंगे? सबसे पहले तो जो फरीजा है वो ये है कि जान जो आपको अल्लाह ने दी है ये बहुत कीमती है, सबसे पहले तो उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसकी आप मज़हब ने जब आपको मुखातब किया है तो कुरान ने आपसे कहा है कि कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, वह अहली कुम नारा, और फिर अपने अहले अयाल को भी बचाओ। मैं सियासी शेरों की बात है। जी मैं सियासी शेरों पर भी आ रहा हूँ ना, वो फार्मूला तो सब पर लगता है, प्यास जानवर को लगे इंसान को लगे पानी पिलाना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले अपनी जान बचानी ज़रूरी है। जान से मराद ये जान ही नहीं है बल्कि सियासी तशख्स, सियासी फिकर, नजरिया, वो तो खा गए सोच। नहीं नहीं वो तो आपको खा गए, बिल्कुल भी नहीं। ये तो शेख सर जिस जमात की बुनियाद मस्जिद के अंदर आपने कहा रखी थी, मुझे तो लगता है किसी खेल के मैदान में बनी है और लोग अपनी इन्हें खेल के चले गए। देखिए ये तो लोगों को बड़ी गलती लगती है ना कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बहुत कदावर शख्सियत थी, उसके जाने पर जमात ख़त्म नहीं हुई, गाजी मिल्ल सरदार मोहम्मद रहीम खान के जाने पर ख़त्म नहीं हुई, सरदार सिकंदर याद खान जैसी कदावर शख्स के जाने पर ख़त्म नहीं हुई, तो ये किस कदावर मानते हैं सिकंदर याद को? जी सरदार सिकंदर याद खान रियासत में मुजाहिद अव्वल के इस्तेदार पर कयूम खान के बाद बहुत बड़े कादकार के आदमी हैं, उनको नुकसान उन्होंने पहुँचाया, हमने नहीं पहुँचाया, हमने तो जब थे तो सर पर कंधों पर उठा के रखा। वो सरदार अव्वल कयूम खान के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत की दूसरी सबसे कदावर शख्सियत है, आज भी बड़ी कदावर शख्सियत, फिर भी जमात नहीं गई? जी बिल्कुल कुछ नहीं गई। क्या आपके पास सब कुछ रहा उस इन सब के जाने के बाद? मैं दो मरतबा वजीर आजम रहा तो क्या नहीं रहा इसके ऊपर भी मैं। एक और बात सुन, जमातों को मेम्बरों से नहीं काउंट किया जाता, जमातों को करदार से काउंट किया जाता है। अभी मौजूदा दौर में जब 13वीं तरमीम सामने आई तो सबसे पहली आवाज़ जो आपके कान में पड़ी होगी, स्क्रीन पर आपको दिखाई दी होगी, वो सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी। जब गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात हुई और एजेंडे पर आ गया कि इमरान खान साहब की हुकूमत करना चाहती है, तो सबसे पहली आवाज़ जो उठी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से आई, और हम उसमें अल्लाह के फजल से कामयाब हुए, उस सारे खेल को तूफान को रोकने में कामयाब हुए। 13वीं तरमीम भी ठीक हो रही है, वज़ीर आज़म को कहना पड़ा कि इसलाह हवाल करेंगे और ख़त तहफ़ुज़ात दूर करेंगे। मैं वापस शेरों पर आऊँगा, लेकिन आपने एक बात को छेड़ा है, नहीं तरमीम सर 13वीं तरमीम तो आपने कर दी, आपको 14वीं भी करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, उससे पहले मुझे एक चीज़ बताएं, सिकंदर याद साहब ने यस्टरडे एक स्टेटमेंट दी है
जयंती ऊपर फोटो हो गए हैं आपके वालद साहब, उन्होंने कहा आज भी वो कसूरवार हैं 1976 की एक्ट की खराबियों की। देखिए सरदार सदर यातान उम्र में मुझसे बड़े हैं, सियासत में भी सीनियर हैं, बात करने में इसलिए मैं उनके किसी बात पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, मैं उनकी इज्जत और एहतराम करना चाहता हूँ। सर उनकी बात के ऊपर तो तबसरा नहीं कर सकते हैं, वो इंसान है। नहीं नहीं, जब मेरे आपके और उनके मरने के बाद लोग रिसर्च करेंगे तो उनको सोसाइटी में ऐसे लोग मिलने चाहिए कि अगर किसी ने मुझे गाली दी। उन्होंने बात सही कही या गलत कही? क्या बात जो उन्होंने कहा मुजाहिद अव्वल 1974 के एक्ट के जिम्मेदार हैं? देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, सवाल करता हूँ आपसे कि उस एक्ट पर दस्तखत हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, सरदार अब्दुल्कयूम के, सरदार इब्राहिम खान के, कैश खुर्शीद के, चोरी नूर हुसैन के और पीर अली जान शाह के। इसका मतलब वो अकेले कसूरवार नहीं होंगे वो लोग? नहीं नहीं नहीं, कसूरवार नहीं, मैं कहता हूँ कि उन जैसे कदावर आदमी की, उन जैसे कदावर आदमी का किया हुआ काम, यानी PhD का किया हुआ काम को एक आठवीं वाला उठ के कहेगा जी ठीक है, कि प्राइमरी वाला को कहेगा या BA वाला कहेगा ठीक है कि गलत है, ये को बात है मतलब है? यानी आप बहुत अच्छा मीडिया पे काम करते हैं और आप कह रही है CNN के प्रोग्राम आप ठीक नहीं है, मैंने देखे हैं कल चलते हुए, तो इसी तरह की बात है, ठोकने वाली बात। तो इसी तरह है ना, फिर भुट्टो, सरदार कयूम, सरदार इब्राहिम, चोरी नूर हुसैन, पीर अली जानशाह, कैज खुर्शीद, इन सात नामों का किया हुआ काम जो है उसको आज आजाद सिकंदर याद साहब के मुँह से अच्छी नहीं लगती। देखिए ये उन लोगों पे तनकीद करना, ये मैं कहता हूँ जी, मैं उनकी इज्जत एहतराम करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता। आप दरगुजर कर रहे हैं उनको? नहीं, दरगुजर नहीं कर रहा चाहता, मैं तारीख में वहाँ दर्ज होना चाहता हूँ कि मेरे और उनके मरने के बाद जब लोग रिसर्च करें तो ये समझें कि इस माशरे में सब एक दूसरे पर कीचड़ नहीं फेंक रहे थे, अगर कि गलती से गोसे में कोई एक फेंक भी रहा था तो दूसरा शरीफ आदमी खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था, कम अज़ कम माशरे में एक आदमी तो बचा रहे जिसके साथ गाली मंसूब ना हो, जिसके साथ पत्थर मारा मंसूब ना हो, जिसके साथ गाली के जवाब में शराफत से बात करना मंसूब हो, कोई एक आदमी तो तारीख में बचा। लोग सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ामात भी लाते हैं, सवाल पूछना मेरा काम है लेकिन लोगों की बात भी करना चाहिए। सर मुझे ये बताएं आप और नवाज शरीफ में फ़र्क क्या है? मैं एक नज़रियाती सियासी कारकुन हूँ, आइडियोलॉजिकल सियासत का कारकुन हूँ, नवाज शरीफ इक्तदार की पावर पॉलिटिक्स के आदमी है, मैं आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का आदमी हूँ, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ ने मार्शल्ला की गोद में प्रवेश पाई है, जिस वक्त मैं जेल में था, ईद और शबरात जेल में कर रहा था, एन उस वक्त नवाज शरीफ साहब जलन जिलानी के साथ पंजाब में फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, तो दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि मैंने एक बाज़ाब्ता उस्ताद की जूतियाँ उठा के, बैग बस्ता उठा के सियासत सीखी है, उन्होंने किसी उस्ताद के पास जाने की तकलीफ़ नहीं की, रास्ते में ये काम शुरू कर दिया। डेमोक्रेसी का हामी शख्स कैसे कह सकता है नवाज शरीफ किसी और की पैदावार है? मिलिट्री डेमोक्रेसी, बरतानिया में मिलिट्री डेमोक्रेसी है, अमरीका में मिलिट्री डेमोक्रेसी है, आपका कौन सा सिर्फ क्या था, सिर्फ क्या था, कोई नहीं है। आपका कौन सा ऐसा दौर इकतदार है जो जमहूरी हुआ हो? तमाम के तमाम, मसलन कोई दौर बताएं जो पाकिस्तान में सेटलमेंट के बगैर भी आपको? चले चले शुरू कर देते हैं, गिनवा लेते हैं। 1970 में पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुंतखब हुए, आज़ाद कश्मीर में मुजाहिद अव्वल मुंतखब हुए, वो मौजूद नहीं थी, पार्टी नहीं बनी हुई थी पाकिस्तान की पार्टी, तो मुस्लिम खान मुंतखब हुई, तब मैं पैदा नहीं। चलिए आपकी पैदाइश की बात कर लेते हैं, 2001 में आ जाइए, परवेज मुशर्रफ की पार्टी नहीं थी, मुस्लिम खान जीती है, 2006 पे आ जाइए, परवेज मुशर्रफ की पार्टी नहीं थी, मुस्लिम खान जीती है, जिस वक्त मरकज में एस्टैब्लिशमेंट तो थी ना? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट तो एस्टैब्लिशमेंट की कोई जमात है तो नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट तो देखिए सारी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट है। ट्रंप ने कहा कि मैं नॉर्थ कोरिया के सदर पर फायर करना चाहता हूँ और पेंटागन के चीफ ने CNN पर आकर कहा कि हम बिल्कुल कोई हमले का इरादा नहीं रखते, सारी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट इसी तरह। हम सर दुनिया की तरफ निकल के मैं कश्मीर के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, मैं काश फेसबुक यूज़ ना करता तो मैं आपसे ये सवाल ना पूछता। हुदूद कुरैशी साहब को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। वालिद साहब का उन्होंने इंटरव्यू किया था और मैंने येस्टरडे मेरे उस्ताद हैं वो एशियन न्यूज़ की, अभी वो चीफ दीदी हमारे बट मेहरबान है। हाँ मुझे पता सर, उन्होंने आपके वालिद साहब का इंटरव्यू दिया था, उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपके जो साहबजादे हैं वो गलतियों से सीखते थे आपके बारे में, आपके वालिद से पूछे हैं, आपके वालिद साहब की बात तो आप यकीन नहीं डालेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं पिछले सवाल पर जा रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे में और नवाज शरीफ में एक चीज़ मुश्तरक है, आपको याद है? मेरे ख्याल में नहीं है, उन्हें कही होगी बात है कि दोनों नालायक लोगों को हमेशा साथ रखते हैं जो इनकी तबाही का भाई। बिल्कुल ठीक बात है, अगर उन्होंने कही है तो ये 100% दुरुस्त है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। और जिस वक्त बात की थी उसके बाद हो सकता है नालायक लोग तलाश कर लिए हो ना, मतलब ये काफ़ी पुरानी बात है, 20-30 साल जी। सर मुझे ये आदमी अपने तजर्बे से भी सीखता है, दूसरों के तजर्बे से सीख, अपनी गलतियों से भी सीखता है, नालायक लोगों से इंसान जी नहीं सीखता, बिल्कुल नहीं सीखती। ठीक है, उन्होंने ठीक कहा, ठीक है। सर मुझे ये बताइए मौजूदा वज़ीर आज़म वालिद की शेड्यूल जी, चौधरी तारिक फारूक का मैंने दो दिन पहले इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मैं
उनको सियासत की यूनिवर्सिटी मानता हूँ। एक सीनियर वजीर बन गया, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, और वही लोग छोड़ के आपको छोड़ के उधर चले गए। हकीकी बेटा क्यों पीछे रह गए? शहीद सिंह नहीं, ये पीछे और आगे रहने का मैार मुझे पता लगना चाहिए। किस चीज़ को पीछे और आगे रहना कहते हैं? सियासत लोग इज्जत के लिए करते हैं, वकार के लिए करते हैं, एहतराम के लिए करते हैं, लोगों का एतमाद और ट्रस्ट गेन करने के लिए करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या पैमाना है इलेक्ट होना और बाहर सूरत इकतदार में जाना और वहाँ जाकर बाहम दस्तों के रिबा होना और फिर टूट फूट के करीब पहुँच जाना, क्या ये कामयाबी की बात है? या जिस इज्जत और एहतराम और वक़ार के साथ आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ी है और तमाम की तमाम बावक़ार सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ देख रही हैं और उसके रवैये की तरफ देख रही हैं। ये आप यूरोप में रहते हैं, कभी आपने सुना है ये बात यूरोप में कभी ऐसी हुई हो कि किसी शख्स ने अपने वजीर पार्टी प्रेजिडेंट के खिलाफ में एतमाद किया हो और उस पार्टी प्रेजिडेंट ने वापस उसी शख्स को वज़ीर आज़म नामजद किया हो? ये सारी दुनिया के लिए यूरोप से भी बेहतर की मिसाल हमने कायम की। सर एक और बढ़िया एग्जांपल दी, मैं फारूक कैदर साहब की उस पप्पी के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बात पूछना चाह रहा हूँ। सर आपने इस मुल्क की एग्जांपल दे दी जिसके साथ हम अपने आप को किसी सूरत कंपेयर नहीं कर सकते। सर ये सरदार यकूब जो थे जिन्होंने आपको हटाया था, उसको तो आपने, उस शख्स को तो आपने टिकट नहीं दिया था, ठीक है, वो आपके मंसब के ऊपर आपके बैठ किया था, ये भी तो तब्दीली है ना दुनिया में। हाँ ये तब्दीली है, इसी नहीं नहीं, लेकिन ये इसी तब्दीली का तो मैंने जिक्र किया है, इसी तब्दीली का जिक्र किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर राजा फारूक हैदर साहब ने मुझसे टिकट लेकर इलेक्शन लड़के जीत के आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर मेरे खिलाफ अदम एतमाद किया। यही बात हो जो आपने कही, अच्छा हुआ आपने बात पूरी मुकम्मल कर दी। तो इसमें यकूब खान का, यकूब खान बहुत अच्छे आदमी है, काबिल एहतराम है, राजा फारूक हैदर भी ज़्यादा इज्जत में काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, लेकिन वो सरदार यकूब खान तो बेकसूर आदमी पकड़ा हुआ आ गया था बेचारा, अब जो कारोबारी आदमी है और उनको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज के इस वक्त भाव क्या है, कहाँ पर क्या करना है, लेकिन वो सियासत के भाव जी और जी सियासत के भाव भी जानते हैं ना। राजा फारूक हैदर खान ने रावलाकोट के इलेक्शन में कहा ना, उन्होंने कहा कि यकूब खान ने, यकूब खान इतने करोड़ रुपये देकर वज़ीर आज़म बने थे। सर वो फारूक हैदर खान साहब वाली जो पप्पी थी उसका असर है आज तक, वो सियासी थी या अखलाकी थी? वो उम्र का एक हिस्सा होता है, जब पप्पियों का असर होता है उससे आदमी गुजर जाए, तो फिर हम सियासत में उस मरल से काफ़ी पहले गुजरे हुए। सर जख्मी दूसरी पप्पी का शायद असर हो तो सियासी पप्पी का कोई असर अभी बहुत पुरानी बात हुई। सर सियासी शेरों का क्या करेंगे आप जो जख्मी हैं? अपने मंत्र की अंजाम की तरफ जा रहे हैं। देखिए तारीख अपने आप को दोहराती है, मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन मैं एक बात आपको कहता हूँ जो मैं रिपीटेडली कहता रहा हूँ। नवाज लीग बनी तो मैंने कहा कि ये जमात नहीं है, नवाज लीग इलेक्शन में गई तो मैंने कहा ये जमात नहीं है, नवाज लीग इलेक्शन जीत गई तो मैंने कहा ये जमात नहीं है, नवाज लीग ने दो तिहाई हुकूमत बना ली तो मैंने कहा ये जमात मुझे दिखाई नहीं देती कहीं सियासी मंजरनामे पर। और सर जब तरीके इंसाफ बनी तो आपने क्या कहा? नहीं तहरीक इंसाफ तो अभी बन रही है ना, वो तो अभी बनने के प्रोसेस में है, वो तो अभी ऐसा सा बनेगी तो पता लगेगा। मैं जिस जमात ने दो तिहाई अक्सियत इख्तियार की, मैं उस बात को आज ताज़ा करना चाहता हूँ, अखबारात का रिकॉर्ड आपके पास होगा या नहीं होगा, सोशल मीडिया पे मौजूद है, फिर मैं ताज़ा करना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि ये जमात नहीं है और मुझे मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर नवाज़ लीग आज़ाद कश्मीर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। नहीं देती, नहीं दिखाई। हाल इस बात की जी, मैं उस बात पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ। फारूक हैदर को एज ए वज़ीर आज़म कैसा देख रहे हैं? राजा फारूक कादर साहब ने वजारत उज़्मा के साथ कोई ज़्यादा इंसाफ नहीं किया, वो अच्छे काम भी शायद कर सकते थे लेकिन वो कोई इंसाफ नहीं कर सके ज़्यादा, वो अपने किसी एक साथी भी ऐसा नहीं है जो उनके साथ खुशी और इत्मीनान का इजहार करे, कोई एक कारकुन ऐसा नहीं है जो शख्स बतौर पार्टी प्रेजिडेंट तीन साल में मजलिस आमला का एक इजलास नहीं बुला सका हो। मेरे लिए ज़ाती तौर पर वो सारा ख़ानदान काबिल एहतराम है, राजा फारूक हैदर साहब भी बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म वो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सके, बिल्कुल ही डिलीवर नहीं कर सके, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना डेवलपमेंट, ना सियासत, ना कोई और काम, ना कोई और काम। अब आप अंदाज़ा करें कि जिस दिन नवाज़ लीग की हुकूमत ख़त्म हो रही है रात को 12 बजे जाके आयुर्व तरमीम करते हैं, इस तरह तो आदमी पटवारी का तबादला नहीं करता रात को जाते जाते 12 बजे, जिस तरह उन्होंने ये काम किया। सर जिस जमात ने आपको इज़्ज़त दी यहाँ तक पहुँचाया, उसी जमात में बड़े बड़े नाम है, किस किस का नाम लूँ? सरदार इब्राहिम साहब, चौधरी नूर सैन साहब जैसा लीडर इंसान होते हैं। मैं आपको आसान बात सर पूरी ना, हाँ मैं हाँ, कह सकता हूँ हाँ, वहीं से पैदा हाँ, हाँ मैं ये शॉर्टकट जी जी एक जुमले में मैं कहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नाम शेख महमूद अब्दुल्ला से लेके इस वक्त तक इसी से पैदा जी। लेकिन सर इसी जमात ने मुस्लिम लीग नून को बनवाया, यही जमात अब तरीके इंसाफ को मजबूत बना रही है,
ऐसा क्यों है? मेरा ख्याल है इस तरह नहीं है। देखिए ये जो तोड़ फोड़ का अमल है दो तीन वजूहात की बुनियाद पर होता है। जब सियासत के खुले मैदान में आप हो ना, कभी समुद्र में आपने सफ़र किया हो, गहरे समुद्र में, तो आपको पता है कि आप मशरक़ की तरफ जा रहे होते हैं, अचानक बीच में मगरब की तरफ से नीचे एक बड़ा तेज़ रफ्तार दरिया आपको टकराता है, थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको जनूब से एक टकराता है, शुमाल से टकराता है, तो आपको बाजार समुंदर इस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, आप उसी डायरेक्शन में सफर जा रहा नहीं होता उधर, नहीं वो जा रहा होता है, उसके अंदर करंट्स और क्रॉस करंट्स पूरी रफ्तार के साथ पूरी कुव्वत के साथ बड़े ताकतवर दरिया जो है, दरिया से बड़े साइज़ के दरिया अंदर भैया फर्क चल रहे होते हैं। ये जो कौमी सियासत है इसमें गिरतोपेश के हालात चीज़ों पर असरानंदाज होते हैं। कारकुन सर, मुस्लिम लीग नून क्यों बनी थी? मुस्लिम लीग नून मसला कश्मीर पर नवाज जंदाल जो सज्जय जंदाल के साथ मिलकर कश्मीर पॉलिसी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए बनी थी सर। वो तो फौज की मुखालफत करने के लिए बनी थी सर। नवाज शरीफ तो कश्मीरी हैं। नवाज शरीफ कश्मीरी हैं, लेकिन ऐसे कश्मीरी हैं जो रा के चीफ अजीत डोवल की और नरेंद्र मोदी की गाड़ी चलाने में फख्र महसूस करते हैं। तो सर जो उनके साथ हैं वो कौन है फिर? उनके साथ उसी पॉलिसी, जरूरी नहीं है कि सबको पॉलिसी को पता हो। सर आजाद कश्मीर में जो नून लीग वाले हैं, जिसने नून लीग बनाई उसको आप ये कह रहे हैं जो उनके साथ हैं वो कौन है? उनके साथ जो उनका कल आपने इंटरव्यू नहीं सुना, कल 5 फरवरी के हवाले से उनने क्या कहा? उनने कहा कि मसला कश्मीर जो है पिंडी वाले बुनियादी तौर पर फौज को कहते हैं जी, तो उन्होंने कहा ये मसला जो है ये पिंडी वालों ने हल नहीं होने दिया। कल भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये तो बड़ी जुर्रतमंदाना बात नहीं है। जी 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 जितने लोग चोरियां डाके कत्ल करते हैं खुदकुशी करते हैं वो सबको एक आदमी कहता है कि उसने खुदकुशी की है, दूसरा कहता बड़ा बहादुर आदमी था पहाड़ी से छलांग लगाई है। अब ये तो इंटरप्रटेशन की बात है, वक्त बताता है कि जहर का प्याला पीने का क्या असर होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिफेंडर है सारी दुनिया में लोग उनका डिफेंड करते हैं। सर आपने बड़े बड़े जहर के प्याले पिए, आपकी बड़ी हिम्मत है, ये बताएं आपको जितने लोग छोड़ के गए किस काबिल शख्स के जाने पर दुख हुआ आपको? देखिए पहली तो बुनियादी बात यह है कि सियासत में कुरैशी साहब याद रखिए कि एक एक दिन का साथी भी आपको छोड़ के जाए तो आपको दुख होता है, लेकिन जिन साथियों पर 10-10, 20-20, 30-30 साल की रफाकत हो उनका बेपनाह दुख होता है। तीन वजूहत है उसकी। एक ये कि जाने वाला अगर किसी बेहतर जगह जा रहा हो तो खुशी होती, तो फिर भी इत्मीनान होता है, चलिए हमारा नुकसान हो उसका। लेकिन अगर पता लगे कि बिल्कुल सहज से खुदकुशी करने के लिए जा रहा है, ठीक हो गया। आपने तो तारिक फारूक साहब का इंटरव्यू किया, ये उसमें उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम को अपना छोड़ने पर मुझे अफसोस है, छपा रिपोर्ट हुआ ऐसा ही हुआ। अच्छा, इतने साल लाखों रुपए का इलेक्शन, खुशियां, नाराजगियां, मुकदमे, बाग दो। उन्होंने एक और बात भी कही आपके वाले से, उन्होंने सर कहा कि मैंने आपको लीडर नहीं माना, वो आप उनसे नाराज हो गए? मैंने कभी लीडरशिप का दावा ही नहीं किया। मैं तो देखिए मैं एक बात आपको बताऊँ कि लोग अपनी तरफ से कहते हैं मेरे किसी साथी को जो नाराज़ हो या राज़ी हो, मेरी सफ़ों में हो या ना हो, उसको ये बात कभी पूछें कि कभी इस पिछले साल आ साल में बड़ी देर हो गई है मुझे सियासत में कि इस तरह की किसी चीज़ का मुतालबा किया, ये ख्याल हो सकता है वो और मैं अमूमर हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, सियासत में उनको मैं खुद लेके आया, वो चूँकि कश्मीर स्टूडेंट फ्रीडम मूवमेंट में थे, तो मैंने फारूक अब्बासी को और मुश्ताक नियर को अजी यूसा के पास भेजा, उनके घर रहे 2-3-4-5-6 दिन और उनको वहाँ से निकाल के तो हम MSF में ले गया है मेम्बर में। सबसे पहले पार्टी में मैंने उनको जो है वो यूथ बोर्ड में वाइस चेयरमैन अपने साथ लिया और वहाँ से सियासत शुरू कर। बड़ी तवील फहरिस्त है जिन लोगों को आप सामने लेके आए। नहीं, जो बात आपने पूछी वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहता हूँ, आपने कहा एक तो शदीद दुख होता है, दूसरा ये है कि ऐसे लोग भी हैं कि जो मुझसे पूछ कर मशवरा करके गए, चंद लोग ऐसे भी हैं जी। आपने उनको खुद भेजा? नहीं, मुझसे पूछ के मशवरा करके गए। आपने हाँ कहा जी? मैं जो देखे ना, अगर एक आदमी घर आए और आके ये कहे कि सदर जमात मुझे इजाज़त दें, मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ, ये भी होता है जी। मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ। बता दें। मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ, हो सकता है उस शरीफ आदमी को सियासत में नुकसान पहुंचा या फायदा, मुझे नहीं पता, लेकिन नाम ले लें। आला ज़र्फ़ वाला आदमी है जिसने ये किया। बहुत बड़े बाप का, बहुत बड़े दादे का पोता है, बहुत बड़े बाप का बेटा है, खुद बहुत बड़ा इंसान है, मैं उसकी कदर करता हूँ। उसका नाम डॉक्टर नजीब खान है। वो मेरे पास घर आए और उन्होंने कहा दो बातें कहीं, ये अच्छा हुआ आपने ऐसे वक्त पूछा कि वो भी थ्रेश होल्ड पर खड़े सारे क्रॉस रोड पर खड़े। उन्होंने कहा कि मैं 20-22 साल आपके साथ रहा हूँ, मुझे कोई काबिल जिक्र शिकायत नहीं है आपके साथ, मैं आपकी बदतरीन मुखालफत भी करना चाहूँ तो कोई एक लफ्ज़ भी कहने के लिए मेरे पास नहीं है। अच्छा। इसके बावजूद मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ। चौधरी इस्माइल साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। अहमद रजा कादरी साहब मेरे पास आए और कहने लगे मैं जाना चाहता हूँ, बल्कि कहने लगे कि जी मैं जाना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताइए
कि मैं मुझे क्या फैसला करना चाहिए। मैंने कहा मुस्लिम लीग में जाएं, नवाज लीग में जाएं। आपने खुद ही उसी बात जी जी पूरी बात सुनिए ना आप। देखिए ना मशवरा जब आप मानते हैं ना, मतलब अगर आप मुझसे पूछें जी कि कुश्ती करें ऐसी जमात में उनको भेज रहे हैं जिसका मुस्तकबिल नहीं है। जी सुनिए ना पूरी बात सुन लें, आपको जवाब मिल जाएगा ना। उन्होंने पूछा कि मैं किस जमात में जाऊँ, तो मैंने कहा कि ऐसी जमात में जाएँ कि जहाँ से आपको 5-4 साल के बाद वापस आना पड़े तो आपको आसानी हो। तो उन्होंने कहा कौन सी बात हो सकती है। मैंने कहा कि बाकी किसी बात में गया वापसी मुश्किल होगी। तो सर ये तो वापस आने के लिए भी आपसे मशवरा करेंगे या उसका मुझे नहीं पता, उसका मुझे नहीं पता। मैं नहीं कह सकता कि वो वापस आएगा कि नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन माजी का तजुर्बा ये बताता है, माजी का तजुर्बा ये बताता है कि जिन लोगों ने इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, इज़्ज़त नफ्स को कायम रखते हुए अपने लोगों की खिदमत भी की हो, सियासत में मकाम और मरतबा भी हासिल किया हो, उनको जब अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होते देखें, जब पार्टी में बात देखे ना, शाह राम कादर साहब ने क्या कहा, सेक्रेटरी जनरल ने, उन्होंने कहा कि तारिक फारूक साहब ठीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लिमानी पार्टी का फोरम नहीं है, काबीना का फोरम नहीं है, वर्किंग कमेटी का फोरम नहीं है, यानी मेरा कोई काम नहीं उनकी जमात। स्पीकर ने और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने वहाँ असफंदियार हाउस में मेंबर में वो अनवारुल हक साहब के वफातिया के लिए गए, वालदा मोहतरमा के, तो वापसी पर वो तारिक फारूक साहब के घर गए तो प्रेस में कही कि तारिक फारूक साहब ने बातें सारी की सारी ठीक कही हैं। वो हैं ज़रा थोड़ी। किसने कहा? शाह गुलाम कादर साहब ने कहा कि चौधरी तारिक फारूक साहब ने सारी बातें ठीक कही हैं कि हमें जो है रवैये बदलने पड़ेंगे और हमें प्लेटफार्म मुहैया करना पड़ेगा और हमें मशावरत करनी। वो डिप्लोमेटिक आदमी है, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें ठीक करने के लिए ज़रूरी। वही बात उस इंटरव्यू के ऊपर, चौधरी तारिक फारूक साहब के इंटरव्यू के ऊपर आपने भी स्टेटमेंट दिया, आपने कहा वो सही कह रहे। देखिए उन्होंने कहा, मैंने सारी बातों के बारे में नहीं कहा, मेरा कोई काम नहीं उनके अंदरूनी मामला पर। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के राजा फारूक हैदर खान बतौर वज़ीर आज़म उनने कहा कि वो डिलीवर नहीं कर सके, तो मैंने तायीद की कि मैं जो तारिक फारूक साहब की बात किसे तायीद कर रहा हूँ कि वो डिलीवर नहीं कर सके बतौर वज़ीर आज़म। हो सकता है इंसान अच्छे हो, कोई बहादुर आदमी हो, कोई ज़रूरतमंद आदमी हो, कोई और को बात हो, बेशुमार बातें हों, मुझे कोई उस पर एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर जो बात उन्होंने कही जो मुझे ठीक लगी। देखे ना मेरा कोई मुखालिफ या मुताबिक अगर कोई ठीक बात करे तो मैं पॉलिटिक्स में इख्तलाफ राय या दोस्ती दोनों को नजर, अगर साथ चलते हुए लोगों में कोई गलत बात कहे तो मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, और अगर बदतरीन मुखालिफीन में कोई अच्छी बात करे तो मैं उसकी तारीफ कर सकता हूँ। सर मुस्लिम लीग नून बनने की वजह, मुझे 14 साल हो गए मीडिया में, 32 साल मेरी उम्र है, लेकिन मैं वहाँ पर भी काम करता था। मुझे लगता है आपकी सदारत जो है, आपकी जो आप भी जो आपके साथ है, ये वजह बनी थी। देखिए पहली बात तो यह है कि मुस्लिम पार्टी का सदर एक एक बाकायदा इंस्टीट्यूशन इलेक्ट होता है, बाकी पार्टियों में सदर बनते ही नहीं है, नामजद होते हैं। ये बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है। हाँ, और ये आपको शायद पता नहीं, कभी दस्तूर पढ़िए देखिए, जिसमें शक्ल से हम गुजरते हैं इलेक्शन करने के लिए, नीचे से लेकर ऊपर तक मशावरत। किस पार्टी में सर, कब आपने इलेक्शन कराए पार्टी के? तमाम हर दस्तूर के मुताबिक बिल्कुल ठीक वक्त पे। मसलन सर हाथ खड़े करके सदर नामजद होते हैं या नहीं, पोलिंग होती है, बैलेट पेपर? नहीं नहीं, पोलिंग शोलिंग को छोड़ें आप, पोलिंग की बात नहीं है, एक प्रोसीजर आइन में लिखा हुआ है हमारे इलेक्शन। कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम है आपके आइन के अंदर जो बगैर वोट के भी आप सदर बन सकते जी, हैं और उसको आप जी जी इलेक्ट कहते हैं? ये वोट से होता है, ये वो प्रोसीजर की बात है ना, ये वोट से होता है। मैं नहीं कह रहा कि वोट के बगैर होता है, वोट के बेशुमार तरीके हैं। हमारे यूनिट बनते हैं, अब हम वाहिद जमात हैं, वाहिद जिनकी तंजीम पोलिंग स्टेशन के ऊपर होती है, वाहिद जमात है। वोट डालते हैं, मैं कहता हूँ तंजीम पोलिंग स्टेशन पर होती है, पहला हमारा पहली ब्रांच हमारी पोलिंग स्टेशन है, सबसे छोटी। उसके बाद फिर वार्ड पे आते हैं, फिर यूनियन काउंसिल पे आते हैं, फिर हल्के में आते हैं, म्यूनसिपल कमेटी में आते हैं, तहसील में आते हैं, ज़िले में आते हैं, डिवीजन में आते हैं, सूबे में आते हैं, यूनिट्स में आते हैं, इस तरह हमारी तंजीमें होती हैं। उस्मान अतीक यूथ के चेयरमैन क्यों हैं? बाप सदर है इसलिए कि अगर किसी साफ़ी का बेटा साफ़ी हो सकता है, सुनार का बेटा सुनार हो सकता है, तो जिस आदमी ने 2-3 पुश्तों से घर में सियासत देखी है और वो पढ़ा लिखा नौजवान है, तो उसको अगर एक काम करने का शौक है तो उसको क्यों रोका जाए? सर कोई और पढ़ा लिखा नहीं है आज़ाद कश्मीर और भी रहे ना, और भी रहे सर, वो क्यों नहीं बन सकते? बने चेयरमैन क्यों नहीं बने? इफ्तिखार से चले गए आप, तो यूं मेरा दोस्त है, वो क्यों नहीं बन सकता? नहीं तो राजा नहीं तो बना ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन हमारे तकरीबन उस्मान तो कोई 11वां 12वां चेयरमैन है यूथ, आपको किसने बताया? हमारे तो हर टर्म में, मैं आपके दौर की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं अपने दौर की बात भी कर रहा हूँ कि मेरे दौर में कोई 3-4 चेयरमैन बने, यूथ का चेयरमैन इस वक्त मुजफ्फराबाद से एक नौजवान है, पहले कोटली से एक नौजवान था, उससे पहले कोई बिम्बर से एक नौजवान था, तो मुसलसल बनते रहे, हर टर्म में बनते, बल्कि हर दफ़ा तब्दील होते हैं, हर 3-4 साल के बाद तब्दील होते हैं। आपके वालिद साहब
نے بڑی طویل سیاست کی، سر ان کا ایک نام ہے، ہر شخص نے ان سے سیکھا۔ اس دوران بھی سکندر ایاز صاحب یا باقی لوگ ود ان دا پارٹی گروپ بناتے تھے، اس کو پریشر گروپ کہوں یا جو بھی، سر وہ جماعت کو بچانے کے لیے ان کے گھر چلے جاتے تھے۔ آپ یہاں مسئلہ کشمیر حل کروانے آ گئے لیکن چند مائل کی مسافت پہ کبھی اس نیت سے نکال نہیں گئے۔ یہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ ایک آدمی نے پیشانی پر آپ کو پیار کیا، یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے میرے خلاف عدم اعتماد کیا تھا، انہی صاحب کو میں نے دوبارہ وزیر اعظم نامزد کیا۔ یہ کیا بات تھی، یہ جسٹر دنیا میں کوئی اور دوسرا تاریخ میں مجھے پوری پارلیمانی دنیا کی تاریخ میں یہ جسٹر مجھے بتائیں۔ سر ان سے بڑے بندے کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے، میں جو 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 آدمی فیلڈ میں موجود ہے نا، سردار صدر صاحب تو اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اب اس طرح کی ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں ہے۔ سر یہی صدار عتیق احمد خان اگر آج اعلان کر دیں کہ اگر میری صدارت کی وجہ سے باقی لوگ واپس نہیں آ رہے یا کوئی چیز ہو رہی ہے تو میں الیکشن کروا سکتا ہوں، سارا کچھ کر سکتا ہوں، قربانی دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بنیادی بات یہ ہے، یہ صدارت جو ہے یہ لوگوں کی امانت ہے، یہ جو منصب ہے یہ کوئی پیدائش ہی نہیں ہے کسی کے پاس، ایک پروسیس کے نتیجے میں ہے۔ یہ جس کو ہم عدم اعتماد کہتے ہیں، ہم نے پچھلے آپ کے دور میں تین وزیراعظم کو پلٹ دیا، یہ حرکت اگر آئندہ بھی ہو تو آپ اس کا حصہ بنیں گے، کسی کا سہارا بنیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں عدم اعتماد روٹین کی بات ہے، کسی وقت بھی کسی کو غیر کوئی ایسی غیر فطری بات نہیں ہے، یہ اس سسٹم کا حصہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ اپنی پارٹی پریزیڈنٹ اور اپنے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کرنے کی رسم کے بانی راجہ فاروق اعظم خان صاحب ہیں، خود ہیں انہوں نے صدر مسلم کانگریس کے خلاف دہرائی کی اپنے آپ کو، تو تاریخ اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس دن رزلٹس آئے، پہلے دن تو تین چار پانچ کیمرے غازی آباد میں، گاڑیاں میرے پاس لائیو ڈی ایس این جی کھڑی تھیں، تو میں نے کہا تھا کہ جس طرح کمزور ٹیم کے ساتھ کھیلنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ہیوی ٹیم کے ساتھ کھیلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تین باتیں۔ چوتھی بات آپ نے پوچھا کہ سہارا نہیں بنیں گے، ہم نے ایک فیصلہ کن رول پلے کرنا ہوتا ہے، ہم کافی عرصے سے اس شطرنج کے کھیل میں سے وابستہ ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے شطرنج کے کھیل سے وابستہ ہیں، اور ابھی وہ پیک کی طرف جا رہے ہیں۔ جی، وہ جس طرف بھی جائے، پر جب بازی جب میز سجے گا، کارڈز کھلیں گے، تو پھر ہم جو ہمارے بس میں ہوگا، ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم کو تماشبین تو نہیں، ہم فریق ہیں، ہم انٹرسٹڈ پارٹی ہیں، ہمارا نقصان کیا گیا ہے، ہمیں توڑ کر ہمارا لوٹا ہوا مال اٹھا کر لے کے گئے میاں نواز شریف صاحب، کتنے نئے لوگوں کو آزاد کشمیر اسمبلی میں لے کے آئے، ان میں سے 80% وہ ہے کہ جن کو تین تین دفعہ میں نے ٹکٹ دیے ہیں، یہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، ان سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے، یہ سب کے سب وزیر ایم ایل اے میرے لیے قابل احترام ہیں۔ احترام کرتے ہیں جو بھی آپ کو چھوڑ کے گئے؟ نہیں، میں احترام ہی نہیں کرتا، میرا تعلق ہے سب کے ساتھ، میرے عزیز ہیں، ہم سر آپ کے شاگرد ہیں، اتنا عرصہ اکٹھے رہے تو میں احترام کیوں نہیں کروں گا، لحاظ کیوں نہیں کروں گا، وہ کرتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے، اللہ ان کو خوش رکھے، دل و جان سے کرتے ہیں۔ اور سر جو پوچھ کے گئے تھے وہ پوچھ کے واپس آ سکتے ہیں، دل کے کسی کونے میں ہے یہ؟ نہیں، واپسی کے لیے تو جو نہیں بھی پوچھ کے گئے تھے وہ بھی آ سکتے ہیں، مسلم ان کی اپنی جماعت ہے، کوئی میں نے کوئی میری کوئی ذاتی کوئی لمیٹڈ کمپنی تو نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھتا ہوں انہوں نے۔ سر فاروق اعظم اپنے رویے کی وجہ سے جائیں گے یا سیاسی واقعات کی وجہ سے جائیں گے؟ دیکھیے، آزاد کشمیر میں جتنی حکومتیں مرکزی حکومتوں نے بنوائی ہیں، ان کو چلوایا بھی مرکزی حکومتوں نے ہے، جب تک مرکزی حکومت کی چھتری موجود ہوتی ہے اور سیڑھی موجود ہوتی ہے، موجود رہتے ہیں۔ یہ جو مطلب آپ نہیں رہیں گے، چھتری ختم ہو گئی؟ نہیں، میں اصول بیان کر رہا ہوں، میں ماضی کے تجربات بیان کر رہا ہوں کہ ماضی میں جتنی حکومتیں، مثلاً کے ایچ خورشید صاحب تھے، کتنے بڑے آدمی تھے، آج لبریشن لیگ کہاں ہے، جنرل ایاز خان تھے، وہ کہاں ہے، 12 سیٹیں، اور تحریک عمل کا بندہ کوئی بتایا مجھے ساری دنیا میں کس جگہ ہے؟ آپ تو اقتدار کے ساتھ چپنے والے مجھے نہیں لگتے، لیکن یہ لوگ الزام کیوں لگاتے ہیں کہ سردار مچھلی پانی کے بغیر جیسے نہیں رہ سکتی، ایسے آپ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اب لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ پھر واپس آ جائیں گے، ڈر کیوں ہے ان کو؟ دیکھیے، یہ تو وہ بتا سکتے ہیں، میں تو اتنا بےزر آدمی ہوں کہ میرا مجھ سے خدا کا شکر ہے کہ سیاست میں آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا، کوئی آدمی ہماری ریاست میں ایسا نہیں ہے کہ جو اچانک کسی محفل میں میرے سامنے آئے، چھوٹے سے چھوٹا ملازم ہو، بدترین مخالف سیاسی جماعت کا کارکن ہو، تو مجھے یہ شرمندگی ہو کہ میں نے اس کو کوئی ذاتی طور پہ نقصان، یہ تو تربیت کا اثر ہے۔ نہیں، میں کہہ دوں کہ رویے، بڑی شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ رویے بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں، اسی ایک بات۔ دوسری دو باتیں اقتدار کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے ایک یہ ہے کہ کسی آدمی کو ڈرائیونگ کا شوق ہو، یہ ایک بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی آدمی کو ڈرائیونگ آتی ہو، یہ دوسری بات ہے۔
दो अलग अलग बातें हैं। एक आदमी को घोड़सवारी का शौक है लेकिन उनके पास घोड़ा नहीं है, एक आदमी को शौक नहीं है लेकिन उसे घोड़सवारी बहुत अच्छी आती है, शौक नहीं है। तो जिसको घोड़सवारी अच्छी आती हो उसके पास घोड़ा नहीं, नहीं वो अपना घोड़ा हो, चोरी का घोड़ा हो, पड़ोसियों का घोड़ा हो, किराए का घोड़ा हो, अगर वो अच्छा सवार है तो घोड़ा जब मिलेगा उस पर सवारी करेगा। सर मुस्तकबिल में शेर और घोड़े की लड़ाई दिखाई दे रही है मुझे। शेर मैदान में नहीं दिखाई देता, शेर अब ये चिड़ियाघर का शेर है, बूढ़ा भी हो गया है तो अब ये घोड़ा एक बार फिर ताकतवर होगा। घोड़ा तो करबला के मैदान से, बदर के मैदान से सरमस्त है, क्यामत तक इमाम मेहदी के घोड़े तक दो दौड़ते रहेंगे, ये तो क्यामत तक इसे मैदान मैदान में दौड़ना है। अभी आखिरी जंग जो मार का आ होनी है उसमें घोड़े इस्तेमाल होने, कुर्ब क्यामत तक घोड़ा उसी तरह सर पर दौड़ता रहेगा। आपको लगता है ऐसा होगा? जी जी अल्लाह के फजल से लगता है। क्या मैं यही काम करता हूँ, मेरे को और कोई काम कारोबार तो नहीं करता। सर यही काम करते हैं तो एक बात बताते मुझे, फर्ज करें आप दो तीन दिन बाद वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा रहे हैं, फ़र्ज करें आपको मौजूदा मेंबरान असेंबली में से काबीना की टीम चुननी हो, किस किस का इंतखाब करेंगे? पहली बात यह है कि मुश्किल बात है फ़र्ज करनी, मैं दिन में ख्वाब नहीं देखता कि मैं तीन आदमी के साथ वज़ीर आज़म है। मैंने फ़र्ज किया है, तीन आदमी के साथ वज़ीर आज़म। मैं चाह रहा हूँ कि आज भी आपकी बुक के अंदर अच्छे लोग हों। बहुत काबिल लोग हैं मेरे साथ, बड़ी भारी भर काबीना रही है, इंतहाई काबिल लोग हैं, इंतहाई आला लोग हैं, उन्हें आपने सिर्फ उन पर ट्रस्ट करना है, एतमाद करना है। देखिए टीम फिर से एतमाद करना है? जी बिल्कुल, इसलिए कि सवाल ये पैदा होता है कि खिलाड़ी को खेल आता हो और मैदान सज जाए, ग्राउंड लग जाए, तो उन्हीं खिलाड़ियों में से खेल तो जो अवेलेबल है उन्हीं में वही खेलेंगे ना, तो आपका क्या ख्याल है खिलाड़ी इंपोर्ट करें? सर बंदा खेलने के लिए तैयार हो, पैड बांध लिए, सारी चीज़ें कर ली, अगर अंपायर ही ना खेलने दे तो फिर क्या करेंगे? नहीं वो तो बिल्कुल दूसरी बात हो गई ना, मौसम ख़राब हो सकता है, कुछ हो सकता है, 50 बातें हो सकती हैं। अगर मौसम ठीक हो जी हाँ जी हाँ मौसम ठीक हो तो फिर खेल हो सकता है और उन्हीं खिलाड़ियों से काम लिया जा सकता है। अंपायर की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, हर मामले में अंपायर की जरूरत नहीं पड़ती। सर आज़ाद कश्मीर हुकूमत कितनी बाख्तियार है? इख्तियार अपने पास होता है, इख्तियार किसी के पास नहीं होता। नहीं सर आइन के साथ आप जुड़े होते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आज़ाद की बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का बानी चेयरमैन हूँ, किस जगह इख्तियार लिखे हो मुझे पढ़ के बता दीजिएगा, अगले किसी इंटरव्यू में बताइएगा। मैं टेफ्टा का बानी चेयरमैन हूँ, मैं AJK RSP का बानी चेयरमैन हूँ, बताइए। मैंने कश्मीर ट्रंक रोड नोटिफाई की और कश्मीर हाईवे अथॉरिटी बनाई, तो ये चीज़ें सारी किस साइन में किस कानून में लिखी? वो तो आपने कॉलेजेस भी बनाए रजा गिलानी साहब के दौर में। जी बनाए, कॉलेज बनाए नहीं मैंने, पहले दौर आईनी तरीके से बनाए थे या कैसे? नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इख्तियार अच्छा काम करने के लिए आपके अपने पास होता है, आप इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, आपको इख्तियार आना चाहिए, आना चाहिए। अगर सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सर 10 DC हैं, 10 SP हैं, 10 ज़िले हो गए, वज़ीर आज़म है, सदर है, पार्लियामेंट है, पूरा स्ट्रक्चर पड़ा है हमारे पास जो एक मुल्क के पास होता है, फिर भी लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेंसी कहते हैं। कभी आपने किसी के एहसासों की बात की? देखिए ये भी चेक होने चाहिए। देखिए बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले जो एबडो और एबडा दो कानून बने एहतसाब के, दोनों मुजाहिद लेवल पर लगे, आपकी इतला के लिए। अच्छा उन्होंने किया? फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में एबडो और एबडा जब वो जेल में भी रहे। जी जेल में भी रहे, 18 माह जेल में भी रहे। और आपका बेहतरीन सियासी दोस्त कौन है? मैं अपने तमाम लोगों, देखिए दोस्ती और दुश्मनी की बात यह है कि मैं सियासत में दुश्मनी पर यकीन नहीं रखता, इख्तलाफ राय पर यकीन रखता हूँ, और दोस्ती की बात यह है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे इंतहाई मुखालफीन के साथ भी, और जमात के अंदर तो हम एक फैमिली की तरह हैं। सर ये बताइए कि रियासती जमात थी, हुकूमत में भी थे, क्या वजह कि आपने कभी बल्दियाती इलेक्शन की तरफ नहीं आप गया, आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाए, मनपसंद लोगों को लगा दिया, इल्ज़ाम है आपके ऊपर। सर आपने मजलिस अमला के मेंबर को इतना नवाजा, बाकी भी सियासी जमातें थी, कौमी खजाने से उनको 2-2 लाख रुपये अकाउंट में बेचते रहे जहाँ से तबाही का आगाज़ हुआ। देखिए दो बातें, एक तो ये है कि आखिरी इलेक्शन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने करवाए थे बल्दियाती 92 में, उसके बाद पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली का मामला ज़ेर बहस आ गया। सर आप पाकिस्तान के साथ हमारा क्या तल्लुक बल्दियाती इलेक्शन? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको जो इंतज़ामी मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात पाकिस्तान के सूबे हों, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, इंतज़ामी मामलात में आपको किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर ठहरना पड़ता है। अच्छा ये भी मजबूरी है हमारी? मैं और बात आपको बताता हूँ ना, मसलन बरतानिया से डिफेंट पैसे देती है, UNDP पैसे देती है, USAID पैसे देती है, तो उनका एक सेट प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक सारे इलाकों में चलते हैं। ये सरदार अतीक जो मेरे सामने बैठे हैं ये 2001 में बड़े जवान थे, आज भी हैं। सर आपके साथ पूरी काबीना थी, कुछ लोगों की नीयत ख़राब थी जो आप वज़ीर आज़म नहीं बन सके, सिकंदर याद साहब बन गए थे,
नहीं, नीयत ख़राब नहीं थी। मुजाहिद अवल ने फैसला किया, लोग मेरे साथ थे। किसके मफाद में? पार्टी के इंटरेस्ट में, मुल्क के इंटरेस्ट में। और वो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लीडरशिप का फैसला, मैं जब लोगों को कहता हूँ कि कुर्बानी दें, तो मैं सबसे पहले अपने ऊपर से ये बात शुरू की कि 32 में से 28 आदमी मेरे साथ थे, 29 लोग तो मौजूद थे। और चौधरी तारिक फारूक साहब ने, शाह गुलाम कादर साहब ने मुजाहिद अवल से कहा जी कि हम कागजात दाखिल करवाते हैं, 3 बजे हम विड्रॉ कर देंगे, आपके साथ कमिटमेंट है, सिर्फ हमें दे दें। इन दोनों को फिर मुजाहिद अवल ने बहुत डांटा डपटा और उन्होंने कहा कि जो बात मैं कहता हूँ, फैसला मैंने पार्लिमानी पार्टी में अनाउंस करना है। पार्लिमानी पार्टी में मुजाहिद अवल ने कहा कि मैं सरदार सिकंदर याद खान को वज़ीर आज़म नामज़द करता हूँ। 2-4 मिनट बात की और आपने मान लिया? नहीं, मान नहीं लिया। उसके बाद सरदार सिकंदर साहब बात नहीं कर सके वहाँ, चूँकि बात करने की पोजिशन नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं मेरा कि उससे कहता हूँ कि वो बात करे। मैंने कहा जी कि पार्टी प्रेसिडेंट का फैसला है, हम दिलो जान से उसको तस्लीम करते हैं। आप ड्रा हो गए? जी जी, उधर इतनी मीटिंग जितनी बात हमसे इतनी मीटिंग हुई, उन्होंने फैसला किया। तो मैंने कहा जी कि बड़ी कुर्बानी दे दी। जी जी, मैं ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, पूरी पार्लिमानी पार्टी बैठी थी। मैंने कहा मैं 5 साल तक सरदार सिकंदर याद खान साहब का बैग बस्ता उठा के चलूँगा। पार्टी प्रेसिडेंट ने फैसला किया, 32 में से 29 वोट होने के बावजूद एक जुमले का फैसला आया, तो मैंने कहा जी मैं विड्रॉ करता हूँ। सर, जो 5 लोग आपके पास आए थे, मशवरा दिया, अच्छी जगह भेजा, उम्मीद रखते थे कि 5 साल के बाद सुबह का बूला शाम को वापस आ जाएगा, उस बूले का इंतज़ार करेंगे या आप भी उनकी तरह उनको कह सकते हैं मुझे ज़रूरत है आपकी वापस आ जाओ घर में? देखें, 2 बातें हैं। एक ये है, सुकरात से किसी ने पूछा कि आलम और जाहिल के दरमियान फ़र्क क्या है, उसने कहा कि जो माजी के तजुर्बात हैं सबक हासिल करे वो आलम है, जो उन तजुर्बात की मौजूदगी में नया तजर्बा करे वो गैर आलम है। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों ने अब तजर्बात करके एक नतीजे पर लोग पहुँचे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी तहकीक है, ज़्यादा अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा इत्मीनान है कि लोग खुद देख सुन के फैसला करें कि किस जमात में इज़्ज़त नफ्स कायम रह सकती है, किस जमात में वो अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमारे बाप दादा ने किस जमात के लिए, किस नज़रिए के लिए, किस प्लेटफार्म में कुर्बानियाँ दी। सर, ये लोग तो मफाद प्रस्त लोग होते हैं, ये एक तबका ऐसा है, इज्जत को क्या देखेंगे? एक तबका है ना, मफाद प्रस्त तबका भी है, मफादात हर दौर में मौजूद है। देखिए, मीर जाफर और मीर सादक जो हैं वो कोई मुसलमान और पीपल्स पार्टी में नहीं थे, वो आपसे हमसे बहुत पहले थे। सलाहुद्दीन टीपू की पुश्त छुरा जिन्होंने घोंपा था, वो आप और मेरे दौर के लोग नहीं थे। अपने बहुत ही करीबी साथी चौधरी तारिक फारूक को इस मुश्किल वक्त में मशवरा देना पड़ जाए तो क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है चौधरी तारिक फारूक साहब को मेरे मशवरे की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि वो बड़े जीरक आदमी हैं, बड़े ज़हीन आदमी हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं, दलेर आदमी हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले आदमी हैं, तो उनको मेरे किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपने कुलीग हैं वहाँ पर मौजूद हैं, शाह गुलाम कादर साहब बहुत तजुर्बाकार आदमी हैं और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, कश्मीर पर बड़ा काम है उनका, तो वो लोग खुद इतनी आती हैं। डॉक्टर नजीब खान हैं, वो सारी टीम जितनी है उसमें कोई 2-4-5 नौजवान नए हैं, बाकी सारे लोग जो हैं वो बड़े जानदीदा हैं, तरबीज याफ्ता हैं, उनको मेरे मशवरे की क्या ज़रूरत पड़ेगी? सर, एक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जब बैरून मुल्क जाता था तो पीछे कायम का वज़ीर आज़म इंसान बन जाता था जी, आपने साथ हो गए उस कायम का वज़ीर आज़म का स्टेटस ही ख़त्म कर दिया? जी हाँ, बस ये नफ्सियाती कमज़ोरियाँ जब इंसान के अंदर मौजूद होती हैं तो उसका कभी कभी इज़हार करता है इस तरह, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तरह की आयनी तब्दीलियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत की, ये वापस आ सकती हैं? जी, सारी वापस आ सकती है। मैं किस पर बात करना चाहते हैं? सर, बतौर साफ़ी मुझे एक चीज़ पे दुख है जिसका सबसे बड़े कसूरवार आप हैं। रियासती जमात के भी सदर हैं, हुकूमतें भी आपने ज़्यादा की हैं, सर हमारे मुल्क का एक टीवी चैनल नहीं खड़ा कर सके। देखिए, आज़ाद कश्मीर में मीडिया, पाकिस्तान में भी मीडिया पर मिश्रा का भला हो, टीवी की बात नहीं, मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में भी परवेज मुशर्रफ का भला हो के अभी शुरू हुआ। आप जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मैं आज़ाद कश्मीर में उस वक्त ईमेल यूज़ करता था जिस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में 1-2 आदमी होंगे और पिंडी। सर, आपके पास वसाइल थे ना? नहीं, वसाइल नहीं थे, थोड़ा सा आगे देखने की सलाहियत अल्लाह ने दी हुई थी, जिस तरह टनल की मैं बात करता हूँ आप और जिस तरह अक्स बराबर नहीं हो सकते। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरी दिलचस्पी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी बर्तरी साबित करने के लिए नहीं, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जी जी जी, दिलचस्पी इस चीज़ में? जी जी जी, मैं ये गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, तो आज़ाद कश्मीर में बैंक जैसी मुश्किल चीज़ बन गई, अगर हमें आराम से काम करने का मौका मिलता तो टी वी चैनल भी इसकी बिल्कुल जरूरत है। आपने जायज़ निशानदेही की है, बतौर साफ़ी आपका गिला बिल्कुल दुरुस्त है, और अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकबिल में आपको आज़ाद कश्मीर में एक अच्छा टी वी चैनल। सर, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हैं, आप समझते हैं आज़ाद कश्मीर में क़यादत का फुकदान हो रहा है, चंद लोग आप गिने चुने रह गए? सारी दुनिया के अंदर फुकदान हो रहा है, मार्गरेट थेचर से लेके खत्ते की फिक्र है। नहीं, उतनी क्या साली नहीं है जितनी के बाकी दुनिया में है, हम फिर भी बचे हुए हैं, अल्लाह के फजल से गुजारा कर रहे हैं। आखिरी निजी चंद सवाल आपसे पूछूंगा मैं। सर, बहुत अच्छा बोलते हैं, शायरी से भी बड़ा लगाव है आपको, सैकड़ों कुतुब पढ़ चुके हैं आप, कोई अच्छा सा शेर सुना दें मुझे।
दौरे हाजिर के ऊपर होना चाहिए। मुश्ताक यूसफी ने लिखा है कि जब से मैंने दाल माश का इस्तेमाल शुरू किया है शायरी भूल भाल गई है और जैन तजारत की तरफ बेताशा मायल होता है। तो ये जो सुबह से लेके आप ये सारा सिलसिला काम करते हैं तो ये तो इस वक्त तो अगर आप पूछें, परसों मेरा दिन 19 घंटे का था तो रात को बिस्तर पर जाते हुए ख्याल आता है कि कोई आदमी ये कहे कि दिन भर की मुशक्क़त से बदन टूट रहा है, दिन भर की मुशक्क़त से बदन टूट रहा है, ये रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मुशक्क़त से बदन टूट रहा है, ये रात जिस तरह टूटा हुआ मजदूर होता है थका रहा हो। तो ये तो मैं जाऊँगा ना तो ये लोग दो दो हफ्ते आराम करेंगे ना पीछे। बुढ़ापे का एहसास हो रहा है? बुढ़ापे का ताल्लुक सोच, फिक्र और मिशन के साथ है। आपकी सोच कहाँ है? मेरी सोच मिशन के साथ वाबस्ता है और मिशन जिंदा है, जवान एतवाना है अल्लाह के फजल करम से। सर, आज़ाद कश्मीर के किसी इलाके में सैर तफरी की गर्ज से जाना हो, पसंदीदा जगह कौन सी? आज़ाद कश्मीर में मुझे सैर तफरी के लिए नहीं, लेकिन मैं मुजाहिद अव्वल के बाद जल नजात खान बेहतर चले फिरे आदमी थे और उनका जिक्र करना चाहता हूँ। तो बाकी आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा चलने फिरने वाला आदमी मैं हूँ। आज़ाद कश्मीर में एक से एक जगह, वादी नीलम, वादी लीपा। कश्मीर के बारे में तो किसी ने कहा है, आपने शेर से कहा था, कश्मीर के बारे में अकबर ने, मुग़ल बादशाह ने, वैसे नहीं उसे जन्नत कहा, उसने तो कहा था कि अगर फरदोस बर्रुए ज़मीन अस्त हमीन अस्त हमीन अस्त हमीन अस्त। तो मुझे शेर की बात याद आया, किसी ने कहा कि रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण, रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण, फूल शबनम शफक आबजू चांदनी, उनकी दिलकश जवानी की तकमील में हुस्न फितरत की हर चीज़ काम आ रहा है। क्या बात है सर, किसी बात पे पछतावा हुआ हो? माँ बाप की खिदमत का जो हक था वो बहुत देर से समझ में आया जब दोनों दुनिया से चले गए, उसका अफसोस है बस, बाकी अल्लाह करना। सर, सियासत के अंदर क्या क्या कुर्बानियाँ दी आपने? सियासत के अंदर एक तो ये कि पार्टी लीडरशिप को दिल से तस्लीम करके बहुत तकलीफ अजियत हुई होगी, लेकिन तीन चार मरतबा, ये बड़ा ख़तरनाक और मुश्किल सवाल आपने पूछा और इस इंटरव्यू का हिस्सा बनाने के अलावा अलग इस पर कीजिए ज़रूर, वो ये हुआ कि 1985 में मुझे पूरी तरह 100%, चूँकि अभी कुछ लोग जिंदा इसलिए कह रहा हूँ, 100% इस बात का इम्कान था, 100% कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। 85 में मैं आपको बवजू हालत में दो कैमरों के सामने ये बता रहा हूँ, आपने पूछा कि कुर्बानी की बात, तो 1985 में 100% इस बात का इम्कान था, गुंजाइश थी कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। ठीक हो गया, तफसील में बाद में कभी दूसरे इंटरव्यू में जाएंगे, आप अपने पास याद रखते हैं चीज़ें फिर कभी करेंगे। ठीक हो गया, टाइम की किल्लत है, एक एक अगली बात सुनिए ज़रूर। 87 में फिर इस बात का इम्कान था कि मैं आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म बन जाऊँ और फिर लोग जिंदा हैं इसलिए कहता हूँ, दो बातें। तीसरा ये है कि जब जुनैदो साहब की हुकूमत टूटी है, जुनैदो साहब की हुकूमत टूटी है तो जंग के फ्रंट पेज पे अबूरी काबीना के लिए, अगली काबीना के लिए जिन 7 वज़रा के नाम शामिल थे, मर्जी वज़रा, उनमें एक नाम ये शामिल था। तीन बातें। चौथी बात, जब सेनेटर असद इस्लामाबाद से पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी थे, सेनेटर थे, वो आए और सीट खाली हुई तो सेनेट के इलेक्शन में भी गुंजाइश थी। अगली बात कि जावेद आशमी साहब को फेडरल यूथ मिनिस्टर बनाने से पहले बराह रास्त जनरल ज़ियाउल्लाह शहीद ने बराह रास्त मुझसे पूछा, खुद पूछा कि पाकिस्तान ने यूथ के मामलों को ठीक करना है, लेकिन जो कि मुजाहिद अव्वल की मर्जी और इजाज़त की बात थी, तो ये 6-7 मरले गुजार के फिर अगला मरला आया 8वां, वो जो 7वां 8वां वो जो था 2001 वाला। तो ये 7-8 मरतबा जो है, ये चीज़ें मैं आज आपने कही है, इस तरतीब के साथ मैंने इससे पहले इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन लोग अक्सर जिंदा हैं जो ये सारी बात की गवाही दे सकते हैं। सर, टाइम की किल्लत है वरना आपसे बहुत सारी बातें करी थी। मैं हाज़िर हूँ, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहद, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे सवाल आपने किए, बड़े मेहमान, और बड़ा अच्छा आपने ट्रेंड सेट किया है गुफ्तगू का और इससे सोशल मीडिया का, आपका बड़ा पन है, जज़ाकअल्लाह सर, थैंक यू। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपने देखा, मेरे ख्याल से देखने वालों में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके दिल में ये हाश न हो के इतने एक मुदब्बर और एक सीनियर सियासतदान की गुफ्तगू
اس سے بھی مختلف موضوع کے اوپر مزید سنی جائے۔ تو اس پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے دوسرے پارٹ کے لیے بھی آپ انتظار کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔